के कपड़े बदलने का कोई इरादा नहीं है। कह रही मैं यहीं बैठूंगी। ये देखे ये आ गई तैयार होके साड़ी पहन के, इसकी शक्ल देखे और धूप देखे, ये देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस इज मी करियर राजपूत जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज दोपहर ही है, जोर का टाइम है, मतलब कोई जोर हो चुकी है, पंद्रह मिनट ऊपर हो रहे हैं। हमारे इलाके में काफ़ी अजानें होती हैं, मतलब 15 मिनट में भी होने होती है, मिनट मिनट में हो रही होती है। तो काफ़ी इलाका बड़ा है ना, तो हर जगह से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो इंजू बहुत बुरी तरह आज दोपहर के वक्त अपना टाइम पास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज तो बस मैं ये करूँगी, आपको दिखाऊँगी तो खुद देखिएगा कि वो उनको क्या सूझी हुई है, पता नहीं। चलें देखते कि हमारी इंजू जब बोर होती है ना, ये घर का ये हाल करती है, सारे मेकअप जूलरी निकाल के, और ये देखें क्या किया। इसको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। इसको मेकअप करने का शौक, इसको सिंगार करने का शौक। वो सारी मम्मा की जितनी जुड़ियाँ थी वो सब उसने निकाल के जो ना पैड डाली। अभी शायद शरारा निकालने वाली। हाँ शरारा भी। और इसे कुछ नहीं करना, दोपहर हो रही है सख्त। ये टाइम पास करने बैठी है। गर्मी हो कुछ भी हो मैं तैयार हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता गर्मी हो रही नहीं हो रही, तैयार हो जाओ। टिकटॉक बना लो, किसी को क्या पता तुम घर में ही बैठी हो, है ना भाई। ये देखें कि सब क्या हाल किया हुआ, इससे सारा मेकअप वेकअप निकाला हुआ, ये जूलरी निकाली, गजरे बैग में पूरा मेकअप है, देखे गजरे पहन ली। ये रेड अच्छे लगते हैं। ये देखो इंजू बनी दुल्हन। इंजू तुमने तुमने इंजू शरारा भी पहन लो, मम्मा की साड़ी निकाल के पहन लो, वो रेड वाली पहन के। फिर गाइस आप मेरी फुल लुक देखिएगा। हाँ सही है, देखिएगा जरूर, दिखाऊंगी मैं। ये जो बैग है ना, इसमें फुल मेकअप का सामान है, सारा इसने निकाल के भाग किया हुआ है। ये ड्रॉस मेकअप से भरी। और इसने ये देखे कर्ल किए हैं बाल, बाल दिखाओ। ये बाल इसने कर्ल किए हैं खुद, और ना इसको कहीं जाना है ना आना है। मैं सारे कोई बुला नहीं रहा अपनी शादी, किसी की शादी हो रही है तो बुला लेगा। आ जाऊंगी मैं ऐसी ऐसे तैयार होके मटक मटक के आ जाएंगे हम लोग। 5 सेकंड का काम है कपड़े निकालना, इनवाइट कर रहा हूँ अगले दिन वही। एनवेलप में 500 पड़े होंगे और 50 लड़की होंगी हमारी। चप्पल तो हमारा है, जो लड़की है ना वो आएगी। हाँ पूरी टीम हमारी पहुँच जाएगी व्लॉग लेके, और खाना वाना खा के भाग लेंगे हम लोग। और पता नहीं है कि वो जो एनवेलप होगा वो भरेंगे भी कि नहीं। हो सकता है वो खाली हो। हम लोग ब्लॉगर हैं, मैं ऐसे बुला ले। हम पैसे नहीं देंगे। हाँ ना हम आपकी शादी को कैप्चर करेंगे। हाँ दूल्हा दुल्हन को दिखाएंगे। तो आप एक बार बुलाएं इंजिल ऐसे ऐसे करो, बाल यू गजरा दिखाओ, ये देखो कितनी प्यारी लग गई। ये भी बेटी भाई नज़र नहीं लगाना, बस नज़र नहीं लगनी चाहिए। इतना खुश हो रही हूँ ना। अब मैं गाइस तैयार होके आती हूँ, फिर आप देखिए। हाँ फुल लुक वो बना लो, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें छोटी सी। ये देखे ये आ गई तैयार होके साड़ी पहन के, इसकी शक्ल देखे और धूप देखे, ये देखे। ये पागल हो गई है आज। जल्दी मत गाइस उससे। क्या क्या देखा, इसको कितना शौक है साड़ी का। आ जाओ नीचे पत्थर मारेंगे लोग तुम्हें। इसको क्या हो गया दोपहर, स्लीपर भी चेंज कर दी थी। चल झुमके देखे इसके, झुमके ये देखे झुमके, मेकअप तो देख ले गाइस। ये तो देखे और ये देखे धूप जू।
कपड़े बदलने का कोई इरादा नहीं, कह रही मैं यहीं बैठूंगी। प्यारी अगे बेबी चीख चुल बस अब चेंज कर लो, लो वहां आऊं। अरे धूप पे अच्छी नहीं आ रही। अरे वो जब तुमने मैं तो वीडियो बना रही हूँ, वीडियो तो बन रही है। तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है। सही है ना? हाँ ऐसा वाला सही है, यूँ दोनों हाथ करके मुंह तो दिखाओ और एक हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं। ये क्या कर रहे हो? ये फुल रिकॉर्ड हुआ है भाई। नेचुरल। हाँ ये इसकी कमी थी। <इन्जो। laughs> वो सिर्फ टीका टीका चला गया कहीं घूमने। हाँ अब सही है। गाइस ढोलकी करना स्टार्ट कर। इंजू बनी दुल्हन। दोस्तों देखा आपने इंजू को? वो यही करती रहती है, वो अपने आप में लगी रहती है, उसको परवाह नहीं कोई है नहीं है उसके साथ, उसकी फ्रेंड है उसकी कज़न है उनके साथ ज़्यादा एंजॉय करती है, लेकिन अगर नहीं है तो वो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी निकाल ही रहती है कुछ ना कुछ। मैं बोल रही हूँ बहुत, तो क्या किया जाए, उनको ये शुगर मिला वो स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलो जी खैर है कोई मसला नहीं, सारी मेरी साड़ियाँ वाड़ियाँ सब निकाल के उसने नीचे फेंक दी। अब मैंने कहा तुमने ही सेट करना है, मैं तो इसको सेट नहीं करने वाली। ये देखे मुँह हाथ धो के बैठ गई, अपना शौक पूरा कर लिया साड़ी पहनने का। सुकून में आ गई गाइस, थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ शादी। शौक पूरा हो गया तुम्हारा? हाँ। कैसे शौक पहले भी देखे तो मजा आता है सुख। मुश्किल होगा ये क्या? मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार का होना बस नहा धो के रेडी हूँ, इरम आ रही है, इरम के साथ कहीं काम से मुझे जाना है समझी। इंजू यहीं रहेंगी, मैंने कहा दो तीन और साड़ियाँ निकाल लो और एंजॉय करो। मुझे कोई नहीं लटकाता गाइस। ये झूठ बोली, ये जाती ही नहीं है, इसको भी मैं बोलूँ तो रेडी हो जाओ तो नहीं जाएगी। जाओगी कभी भी नहीं, नहीं। तो घर में गाइस लेटे रहो बस। नहीं लेटे रहो नहीं, तमाशे करते रहो घर को। तुमने देखा है वहाँ कितनी तुमने फैलार मचाई? हाँ तो उसे साफ कर दिया अपना कमरा। इसने सारे कपड़े जो है ना गिरा दिए थे, निकालने थे उसको, पता नहीं मेहरून साड़ी निकाली हो पता नहीं कब कितनी पुरानी है। इसने निकाली थी बाबा आदम के ज़माने की साड़ी जो मैंने शायद एक दफ़ा पहनी बस, उसके बाद ऐसी पड़ी हुई है। इनको शौक हो रहा था। और कितनी साड़ियाँ इसने निकाल के जो ना फेंक चुकी है ये, क्योंकि ये कौन सी वो ब्लैक वाली इसने निकाली पहनी, टिकटॉक विकटॉक बनाई और यूँ ही कहीं भी डाल देती है वो। लाल वाली भी वहीं पड़ी है और रेड वाली भी यहाँ फेंक दी उसने डाल के, देखिए ख़राब कर देती है, निकाल के फिर वो रखने लायक नहीं रहती। अभी मेरे पास एक और साड़ी है जो मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहनी है, लेकिन वो है थोड़ी एक्सपेंसिव है तो मैं इसको देती नहीं, वो उसके पीछे कब से पड़ी हुई है। पिंक वाली हाँ वो मैंने एक बार पहन के चेक की थी जब अनुजा रुकने आई थी। और ये सुबह सुबह के टाइम हो रहा था ये सब, सुबह पाँच बजे अनुजा और मैं खेल ले। हाँ और ये मेरी साड़ी वो वाली निकाल के जो है ना दुल्हन वाली, इसको पता है मम्मा ये वाली नहीं निकालने देती, वो बिल्कुल न्यू है। मैंने कहा उसको नहीं छुआ करो, लेकिन ये बाज नहीं आती। पहन के क्या मिला? मज़ा आता है मुझे गाइस साड़ियाँ पहनने में।
ईद के लिए इसके लिए लेने गए थे सूट, आपने देखा था, ये मैडम साड़ी मांग रही थी है ना। हाँ, इतनी प्यारी साड़ी थी, वो अब तक लगी हुई है। वो अब तक लगी है तो लगी रहने दो, ब्लैक है और वो लाल। तो ये इनका सीन, इनको ईद के कपड़े लेने भी ले जाओ, साड़ी तो ना ले। मम्मो ये देखो ना, उसने भी पहनी, उसने भी पहनी। मैंने कहा आपको पता है आपकी एज क्या है, ओनली 13 years old। डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या हुआ? तो बस इनको मैं समझाती रहती हूँ, सारे खानदान वाले मुझे बोलते रहते हैं कि ये इंजू को देखो, ये देखो, वो देखो। अबे भाई नहीं सुन गाइस, मुझे तैयार होने का शौक है। मुझे जब ये लोग नहीं मना कर रहे तो कौन किसी को क्या, मैं तैयार हूँ, कुछ भी करूँ। घर में रहती है लेकिन मेरी बेटी, बाहर निकलना इसको अलाव नहीं है। पहले ही कजन्स वगैरह के साथ चली जाती थी, लेकिन वो भी अब अयान ने बंद कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है। बिल्कुल बैल लगा दिया कि मम्मा होंगी साथ तो ही ये जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी, चाहे सुबह हो, चाहे सुबह हो या रात हो। देखा इनके हाथ में दर्द होने लगा, मुझे कह रही मम्मा पकड़ के रखे ना, और मोबाइल ऐसे पकड़ के रखो हाथ में दर्द होने लगता है। अब ये इनको अंदाज़ा होगा, हुआ ना मैं कब से पकड़ी हुई हूँ। थोड़ी देर में गाइस मैं हवा में उड़ जाऊँगी, हवा में उड़ जाऊँगी। अभी अयान आया था, वो थोड़ा सा ब्लॉग में आ गया, खुद ही मेरे पास से गुजरा था, कह रहा मम्मा ये काट देना, मम्मा ये काट। मैंने उसको बताया है फेसली नहीं का, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। और मैं शायद डाल दूँगा, कह रहा था यार मम्मा ये नहीं करना, ये नहीं करना। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है ब्लॉग में आना। प्यारी हो तो लगोगी ना पागल, छोटी सी प्यारी सी गुइया है मेरी माचूम जी। ये देखिए दोस्तों, हमारी सीढ़ियाँ कितनी खतरनाक है, ऐसा लग रहा है ये कुएं में जा रही है। नीचे कुआं मिले। ये बहुत ही गहराई में है, ऐसी लग रही है ना जैसे अंदर वो नहीं जो क्या कहते कुएं में उतरते वो लोग, हाँ कि नीचे की गहराई नापे कितनी है। ये देखिए कुएं में जा रही है लचकारे मार रही हो माशाल्लाह से। हाँ चलो बैठे कमरे में, खाना जी। तो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जी तो दोस्तों आज का व्लॉग बस यहीं तक, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल फरिया राजपूत ऑफिशियल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और हमारा साथ ऐसी बना रहे। जी दोस्तों दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।